जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों कल भी आपको एक वीडियो बना के दिया था, बच्चों पूरे जो बॉयज हमारे यहाँ फिजिकल कर रहे हैं सुबह के शिफ्ट में, सारे बच्चों से नंबर कैटेगरी कौन से शिफ्ट में पेपर था, सारी चीज किस दिन पेपर था। आज गर्ल्स का मैंने वीडियो बना के डाला था, यही कितने नंबर है, कब था पेपर, कौन से शिफ्ट में था। इसके बाद भी अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, कुछ बच्चे और रह गए हैं, उन बच्चों का भी मैं आपको नंबर कैटेगरी और डेट वाइज जो भी आपको उनका पेपर था कौन से शिफ्ट में पेपर था वो आपको बना के दूंगा। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज इसलिए सर हम फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करें या ना करें, हमें इतने नंबर आ रहे हैं या उतने नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको नंबर अच्छे स्कोर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैंने लगभग ग्राउंड के अंदर मतलब 500 बच्चों से ऊपर बच्चे यहाँ पर फिजिकल कर रहे हैं, अधिकतर बच्चों को 60 से लेकर 70 के बीच में नंबर स्कोर हुए हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो 70 प्लस है और कुछ बच्चे ऐसे जो 75 प्लस है, बाकी 80 नंबर का भी आसपास कोई भी बच्चा हमें नहीं मिला है। इतने बच्चे यहाँ पर फिजिकल कर रहे हैं, अधिकतर जो बच्चा है 61 से लेकर तो 70 की सीरीज में है, जब बॉयज की बात करें। और गर्ल्स की बात अगर हम करते हैं तो 45 से लेकर 60 की रेंज में अधिकतर गर्ल्स को नंबर यहां पर है, जो भी बच्चे यहां पर ग्राउंड के अंदर फिजिकल कर रहे हैं। अभी लगभग 70 से 80 बच्चा हमारे पास फिजिकल कर रहा है, जिसमें हाईएस्ट नंबर है 76। तो आप वहां देख लिए, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो लगभग ईडब्ल्यूएस के हमारे पास 2 से 3 बच्चे हैं, मात्र 70 से 80 बच्चों में 2 से 3 बच्चे जिनको 70 और 72 नंबर स्कोर हुआ है। तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कुछ बच्चे फाइनल कट ऑफ को लेकर अभी से परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको पता है कि अगर आपने एमपी पुलिस की एग्जाम दी है तो एग्जाम के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका फिजिकल होगा। तो अभी जो आपका फिजिकल के लिए कॉल लेटर आएगा वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आएगा। तो जो भी कट ऑफ बताया था आपको फिजिकल के लिए, या और भी लोगों ने कट ऑफ डाला है फिजिकल के लिए, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर आ रहे हैं, 1 से 2 नंबर अगर आगे पीछे, सपोज करो आपको 65 का टारगेट दिया है, 65 पर फिजिकल जाने वाले, तो यहाँ पर अगर आपको 63 नंबर है या 67 नंबर है, तो 1-2 नंबर आगे पीछे अगर है तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में लगभग 5 से 6 नंबर आपका बढ़ सकता है। तो इस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो 65 नंबर अगर आपको है तो हो सकता है 1-2 नंबर कम भी चलेगा या 1-2 नंबर ज्यादा भी है तो आप चलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी आपका अप्रैल के अंदर आपका फिजिकल हो सकता है, अप्रैल या मई फर्स्ट वीक में आपका एमपी पुलिस का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल के अंदर आपका 15 अप्रैल के समथिंग हो सकता है आपका रिजल्ट, या मार्च एंड कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है और आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे कंफ्यूजन, तो रिजल्ट आने के बाद मिनिमम 15 से 20 दिन आपके पास रहेंगे फिजिकल की तैयारी करने के लिए। तो इतने टाइम में हो सकता है कि आपको मुश्किल रहे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करने में, खासकर गर्ल्स। तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ताकि आराम से आपके तीनों इवेंट की तैयारी आप करें, और जब भी आपको फिजिकल देने का मौका मिले तो आप वहां पर क्वालिफाई करके आए। ऑलरेडी 2 से 3 साल बाद आपको भर्ती देने का मौका यहाँ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ रुके हुए हैं और फिजिकल आप डिस्क्वालीफाई हो या फेल हो गए तो बहुत ही ज्यादा गलत होगा आपके साथ में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतने बच्चे हैं लगभग 70-80 बच्चा हमारे पास आज के टाइम में फिजिकल कर रहा है। ऑलरेडी ग्राउंड बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई है, उसके बाद जब पेपर था एमपी पुलिस का तो वहां पर हम एनालिसिस करने के लिए भी गए थे। तो कुछ ही बच्चे हैं जो कि 75 प्लस है या 70 नंबर प्लस है। तो आप अगर जो भी कट ऑफ आपको बताया है उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपको नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फाइनल कट ऑफ पे आप अभी ना जाएं, सिर्फ आप अभी फिजिकल पर फोकस करें। फिजिकल सबसे फर्स्ट स्टेज आपको फिजिकल है, फिजिकल क्वालिफाई आप जब करेंगे उसके बाद ही आपको मेरिट तक जाने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको फिजिकल है, तो फिजिकल आप फिजिकल की तैयारी आराम से कीजिए, तीनों इवेंट की तैयारी, आपको गोला फेंक, लॉन्ग जंप और रनिंग का, ताकि जब भी आपको फिजिकल देने का मौका मिले तो वहां पर आप क्वालिफाई करके आए। बहुत सारे बच्चे दूसरे की बातों में अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, सर उन्होंने बोला है कि इतने नंबर पर नहीं हो पाएगा, या तो ये डिसीजन आपको खुद को लेना। अगर आप किसी की बात में आए और उसके बाद अगर आपका फिजिकल के लिए कॉल लेटर आया और वहां पर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए तो दिक्कत आपके साथ होगी, ना कि उनके साथ होगी। तो कुछ लोगों की बातों को इग्नोर करके आप जो आपको फोकस है उस पर काम कीजिए। देखो अगर आपका 65 है या 67 नंबर किसी ने बताया है
उस कंडीशन में अगर आपका नॉर्मलाइजेशन के होने के बाद ये नंबर कम हो जाता है, बढ़ जाता है, और किसी कारणवश अगर आपका फिजिकल के लिए नाम नहीं भी आता है तो उसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर आप फिजिकल करेंगे तो हो सकता है, चलो ठीक है, आप समझिएगा कि यार आप खुद की बॉडी के लिए वर्क किया है। बाकी अगर आपने फिजिकल नहीं किया और वहां पर आप फेल होकर आ गए तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है आपके लिए। तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप सेल्फ करिए या किसी एकेडमी से कीजिए या हमारे पास, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप कीजिए। अगर आपको नंबर बाउंड्री पे या आप कंफ्यूज ज्यादा है कि जाएंगे और ऐसा ना हो कि हमारा फिजिकल के लिए कॉल लेटर आए या नहीं आए या नाम आया नहीं, तो आप अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है जब तक सेल्फ तैयारी कीजिए। और आपको लग रहा है कि नहीं मैं श्योर हूं मेरा नाम 100% आने वाला है, तो आपको जहां लगता है आप वहां जाइए और आराम से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि काफी समय बाद आपको ये मौका मिला है तो इस मौके को आपको भुनाना है। और यहाँ पर जो फिजिकल के लिए आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्वालिफाई करके आना है, किसी की बातों में आप नहीं आना है। जितने भी वीडियो अभी आप देख रहे हैं डले हुए हैं आप जाके देख लीजिए, हर वीडियो पे बच्चों का यही कमेंट है, अभी भी इतने वीडियो ऑलरेडी डल चुके हैं कि सर इतने नंबर है करें या ना करें, तो नंबर आपको बता चुका है ऑलरेडी। अगर उसके आगे पीछे अगर आपको नंबर है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, सेल्फ कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ही डाउट हो रहा है तो जब तक आप सेल्फ कर दीजिए, आपको लग रहा है सेल्फ, जब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप जहां भी जाना चाहें, किसी भी अकेडमी में जाना चाहें, वहां आप जाके आराम से अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि 800 मीटर दौड़ है आपको पता है, तो एकदम तो नहीं हो पाएगा, किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, कुछ लोग हैं जो आराम से कर पाएंगे, किसी को इसमें दिक्कत है, आपका गोला है, लॉन्ग जंप है, तो तीन इवेंट है खासकर गर्ल्स के लिए। अगर गर्ल्स को नंबर स्कोर हुए हैं तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि बॉयज की अपेक्षा गर्ल्स को फिजिकल में ज्यादा दिक्कत आती है, ये आपको भी पता है। तो इसलिए आप ज्यादा समय खराब ना करें और किसी की बातों में ना कर अपने फिजिकल पर फोकस करें। अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर हुए हैं फिजिकल पर फोकस करें, पहले फिजिकल क्वालिफाई करें, उसके बाद हम बात करेंगे आपके फाइनल कट ऑफ की। तो पहले फर्स्ट स्टेज आपकी फिजिकल है, या फिजिकल आप क्वालिफाई करके निकलेंगे उसके बाद ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे। कुछ बच्चे उसमें डर रहे हैं अभी, सर हाइट थोड़ा सा कम है या चेस्ट हमारा कम है, तो उसके लिए आपको काफी टाइम है, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए। आपका चेस्ट कम है उसके लिए एक्सरसाइज, हाइट कम है माइनर बढ़ जाएगी हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट फुट वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, नौकनी वाले के, सारी चीजों को आपको हल मिल जाएगा। बट अभी जो चीज आपको सामने उस पर आप फोकस कीजिए, और वहां पर आपको अगर जाने का मौका मिले तो आपको वहां से क्वालिफाई करके आना है, ना कि डिस्क्वालीफाई होकर आना है। तो आप फोकस करें, किसी को बातों पर फोकस ना करें, अपने काम पर फोकस करें। और अगर आपको फिजिकल की तैयारी करना है तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, इंडियन फिजिकल एकेडमी इंदौर। 2500 रुपये हमारा फीस है, जिसमें आपको तीनों इवेंट की यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी, गोला फेंक, लॉन्ग जंप और रनिंग का। जब तक आपका इवेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक के लिए आपकी चाहिए फीस है 2500 रुपये। हॉस्टल फीस है हमारे पास 4200 रुपये गर्ल्स का और बॉयज दोनों का, गर्ल्स और बॉयज का, जिसमें आपका दोनों टाइम को खाना मिल जाएगा, आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, सारी चीज 2500 रुपये। अब तो आप फिजिकल नहीं होते तब तक के लिए, और 4200 पर मंथ का हॉस्टल का। ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको, उसके बाद भी बच्चे कमेंट करके पूछते सर हॉस्टल या आपका फीस या आपकी एकेडमी कहाँ है, तो हमारी एकेडमी इंदौर के अंदर है, GSCC ग्राउंड पर हमारा फिजिकल चलता है, और ये फीस है, ये हॉस्टल की फीस है। तो आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, ऑलरेडी बच्चे आ रहे हैं, 70-80 बच्चा अभी सिर्फ और सिर्फ MP पुलिस का हमारे पास फिजिकल कर रहा है। जहां भी आपको अच्छा लगे आप वहां पर जाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट तुरंत आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।